हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप जो है अपना SNB का बैंक अकाउंट जो है अपडेट कर रहे हो तो अपडेट नहीं हो रहा है। अगर आपका एकामा एक्सपायर हो गया था और एकामा रिन्यू होने के बाद जब अपना अकाउंट को अपडेट कर रहे हो तो अपडेट नहीं हो रहा। कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि आपका एकामा जो है एक्सपायर है। तो दोस्तों, आप जो है ना बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है। एकामा खत्म होने के बाद लोग एकामा रिन्यू कर रहे हैं और जब अपना SNB का बैंक अकाउंट अपडेट कर रहे हैं तो अपडेट नहीं हो रहा है। इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी आपका एकामा रिन्यू होता है तो आपके जो अफसर है चाहे तबकलना है उसके सिस्टम में दिखाता है कि आपका एकामा रिन्यू हो गया। बकिर जब आप अपना SNB का बैंक अकाउंट अपडेट करते हो तो उसके अंदर सिस्टम में नहीं बताता है। उसके अंदर जो है एक दिन के बाद, चाहे 2 दिन के बाद, चाहे 3 दिन के बाद, चाहे 48 घंटे के बाद जो है सिस्टम में आ जाता है बैंक का। उसके बाद जब आप अपना अकाउंट को अपडेट करोगे तो अपडेट हो जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि एकामा रिन्यू हुआ और 2-3 घंटे के बाद जो है बैंक अकाउंट अपना अपडेट करने की कोशिश करते हैं तो अपडेट नहीं होता है, तो सोचते हैं क्या हो गया है। तो ये सब छोटी बात है। आप जो है जब आपका एकामा रिन्यू होता है तो आप 24 घंटे के अंदर चाहे 36 घंटे के अंदर जो है जैसे आप SNB का बैंक अकाउंट अपडेट करोगे अपडेट हो जाएगा। और इस टॉपिक में दोस्तों बहुत लोगों के जो है ना मेरे पास कमेंट आया, मेरे इंस्टाग्राम पे भी लोगों ने मैसेज किया कि भाई मेरा अपडेट नहीं हो रहा है, कामा है रिन्यू किया है। तो इस तरीके से लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसीलिए मैं सोचा आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों के भी साथ इस तरीके से प्रॉब्लम होता है तो कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए एम करते हैं वीडियो को समाप्त, फिर मिलेंगे आप लोगों से कुछ नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।